नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये मैंने अमेजन से पार्सल मंगाया है जो कि Realme Buds 3 है, वायरलेस ब्लूटूथ, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है दोस्तों। इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया इसको। पहले मेरे पास वन प्लस की थी, वो ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों, ये पार्सल आया है अमेजन से, तो देखो आप, ये पैकिंग कुछ ऐसी आई है, इसमें फटी हुई, हो सकता है कि ये कुछ ऐप वैप से फट गई हो, ज़्यादा इतना स्क्रैच तो है नहीं है इस पर। बाकी सभी जगह से सील है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके। अब इसको कट करते हैं और निकालते हैं बॉक्स से, बताता हूँ आपको। तो ये अंदर बॉक्स है, जो कि इस पर भी बिल्कुल फ्रेश अमेजन का सील लगा हुआ है। तो भी कट करते हैं और क्या क्वालिटी रहने वाली है दोस्तों, तो आप कमेंट्स में बताना मेरे को कैसे लगे आपको। मेरे को ये साइड करते हैं, ये इसका बिल है, जो बिल आपको दिखा देता हूँ मैं कितने का है। तो दोस्तों, इसका बिल है 1699 रुपये का। उसको साइड में रखते हैं बिल्कुल। और ये है इसका रियलमी बॉक्स, आप देख सकते हैं रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 ब्लूटूथ का कुछ वॉइस ब्लूटूथ। ये इसके हाईलाइट्स फीचर्स दिए गए हैं, 5.3 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। और इसमें ANC का सपोर्ट दिया गया है दोस्तों। इसमें इसका न्यू मॉडल भी देखने को मिलता है, वो आपको सस्ता पड़ जाता है 1200 रुपये का, और ये आपको पड़ता है 1700 रुपये के करीब, आप देख सकते हैं। तो अब इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। मैंने ब्लैक कलर मंगाया हुआ दोस्तों, और काफ़ी मेरे पास अमेजन प्राइम होते हुए भी काफ़ी डिलीवरी का वेट करना पड़ा मेरे को, 5 दिन का वेट करना पड़ा है। तो कट करते हैं और निकालते हैं दोस्तों बॉक्स में से बाहर। ये देखो दोस्तों, केबल टूटता है दोस्तों, अभी दिखाता हूँ आपको। और ये इसके कुछ लगाने के लिए आए हैं रबर बैंड, जो और भी इसमें साथ में दो तो इसमें आते हैं एक्स्ट्रा, एक इसमें लगा हुआ है, तो 3 आए हुए हैं। और ये इसके कुछ मैनुअल गाइड है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते साइड में। अभी इसको बाहर निकलता हूँ ब्लूटूथ को, क्या बिल्ड क्वालिटी रहती है वन प्लस से अच्छी है कैसी है वो दिखाता हूँ आपको। ऐसा देखने में तो बिल्कुल वन प्लस कैसे लग रहे हैं दोस्तों। इसमें ये ANC का अलग से बटन दिया गया है, देख सकते हैं। बाकी इसमें वॉल्यूम प्लस का बटन है, वॉल्यूम माइनस का, और ये बंद चालू करने का है। और इसका वायर दिखा देता हूँ आपको एक बार, इसका वायर कुछ ऐसा आता है, देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसका वायर। और इसके ये काफ़ी बड़े हैं तो दोस्तों, अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका साउंड इसके दूसरी साइड में कुछ भी लगा नहीं आता है, सिर्फ L लगा हुआ है लेफ्ट साइड का है, और ये राइट साइड का R लगा हुआ है। ये माइक दे रखा है इन्होंने, और ये इंडिकेटर लाइट है ऑन ऑफ होने पे, चार्जिंग होने पे। तो अभी इसको यूज़ करूँगा मैं, आपको बाद में बताऊँगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।